दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं ग्रेटर नोएडा के जीटा वन में वन स्थली पब्लिक स्कूल के सामने। नववर्ष का त्यौहार 2023 आ रहा है, 2022 जाने की ओर है। क्रिसमस का पर्व है, जगह जगह अनेक आयोजन। आज जो है बच्चों द्वारा क्रिसमस डे का कार्यक्रम किया गया और बच्चों ने क्या कार्यक्रम किया इसकी जानकारी हम देंगे। यहाँ की जो प्रधानाचार्य हैं शना जैन जी, उन्होंने बच्चों के लिए क्या समझाया इसी की जानकारी हम लेते हैं और मिलते हैं। बच्चों के द्वारा किए हुए कार्यकारी आपको दिखाएंगे। यह त्यौहार हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। प्रभु ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने समाज को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने दुनिया को प्रेम के बोल दिए। क्रिसमस के दिन लोग चर्च जाते हैं, कैंडल जलाकर प्रार्थना करते हैं और भगवान यीशु को याद करते हैं। क्रिसमस ट्री को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। इस दिन स्कूल, कॉलेज व बाजारों आदि को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। लोग एक दूसरे को केक खिलाकर खुशियां बांटते हैं। इस दिन बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें रात को 12 बजे अपने माता पिता और सेंटा क्लॉज के द्वारा उपहार मिलते हैं। और बच्चे इस दिन के उत्सव को स्कूल में मनाने के लिए सेंटा की टोपी और सेंटा के कपड़े भी पहनते हैं। इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि क्रिसमस डे मुख्य रूप से खुशियों को बांटने का त्यौहार है और इसका असली मकसद आपस में भाईचारा स्थापित करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्रिसमस के दिवस पर मेरा भाषण पसंद आया होगा। अंत में मेरी ओर से आप सभी को क्रिसमस और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। है ना? So let us talk about the year 2022. What all did you learn in year 2022? Which year is it? कौन सा year है अभी? Yes. और हमने 2022 में क्या क्या सीखा? कौन कौन मुझे बताएगा? Raise your hands. Tell me, क्या क्या सीखा बताओ? We do not consider academics. What did you learn as a person? आपने as a person क्या सीखा? To my senior students. Sixth onward students, कुछ सीखा तुमने? सर नहीं सीखा, you didn't learn anything. Tell me, what did you learn? Okay, that is an activity. What did you learn as a person? There are so many activities covered in the school, that is okay. Yes, good etiquettes and? और किसी ने कुछ नहीं सीखा? Nobody learned anything apart from good etiquettes? Yes, to follow traffic rules, good. Today, dear children, I want to give you a life lesson. अगर हमसे कोई क्या हमसे कभी गलती होती है? है ना? जब हमसे गलती होती है तो हम क्या करते हैं? Whenever we do a mistake, yes, we say sorry and we regret. Do we regret? हमें गंदा लगता है ना, हमने गलती कर दी, we regret. किस तरह celebrate कर रहा है? और बच्चों को आपने आज क्या बताया? गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज वनस्थली पब्लिक स्कूल ने क्रिसमस और न्यू ईयर की सेलिब्रेशन करी। हर क्लास को मौका दिया गया था अलग अलग इवेंट्स के लिए। जैसे जूनियर और सीनियर नर्सरी ने डांस परफॉर्म करा, थर्ड और फोर्थ क्लास के बच्चों ने कैरल्स गाई, सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड क्लास के बच्चों ने कैरल्स पे डांस किया और फिफ्थ सिक्स्थ के बच्चों ने बहुत सुंदर आर्ट एंड क्राफ्ट्स बनाए और सेवन्थ एट्थ नाइन्थ के बच्चों ने स्पीच दी, बहुत सुंदर आर्टिफैक्ट्स बनाए। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सुंदर लगेंगे। आपके द्वारा कुछ उन लोगों को बताया भी गया, सिखाया भी गया, तो वो कौन सी मुख्य बातें थी? वनस्थली पब्लिक स्कूल एक पब्लिक स्कूल है, इसका मतलब इस स्कूल में हर धर्म को श्रेष्ठता दी जाती है। देयरफॉर आज हमने क्रिसमस की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। ऑल्सो जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तब हम न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करते हैं। आज मैंने बच्चों को बताया कि हम 2022 में हैं और अब हम 2023 में जा रहे हैं। 22 में हमसे ऐसा हो सकता है कि किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हों। 2022 एक ऐसा साल था जब सब बच्चे कोरोना से बाहर निकले थे और पूरे वर्ल्ड से इंटरेक्ट करे थे। मैंने बच्चों को सिखाया कि अगर दो चीज़ें सिखाई, एक जो हमने 2022 में अगर किसी के भी सेंटीमेंट्स हर्ट करे हैं या कुछ हमसे गलती हुई है तो सिर्फ रिग्रेट करने से कुछ नहीं होता, उस रिग्रेट पे एक्ट करना पड़ता है। दैट मीन्स अगर हमने कुछ गलती करी, हम सॉरी फील कर रहे हैं, तो हमें उस पर्सन को जाके बताना चाहिए, अपनी ट्रू फीलिंग्स और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करनी चाहिए।
ताकि हम 2022 का कोई भी बैगेज 2023 में ना लेकर जाएं। 2023 हम एक फ्रेश नोट से स्टार्ट करें, एक हैप्पी नोट से। अगर 2022 में कुछ भी गलती हुई है तो हमें 2022 में ही उसे ख़त्म कर देना चाहिए। सेकेंड चीज़ मैंने बच्चों को सिखाई, ग्रैटिट्यूड। बच्चे आजकल बहुत एडवांस हैं आईटी फील्ड में, हर जगह पे। हम टीचर्स, एज टीचर्स हम उनके गिवर्स होते हैं, उनको एकेडमिक सिखाते हैं, मेंटोरिंग करते हैं। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चों की फीस भरते हैं, उनको काउंसिल करते हैं, बच्चों का होमवर्क कराते हैं, पूरे दिन लगी रहती है मदर्स और फादर्स। क्या हम कभी रुकते हैं, एक मिनट के लिए थमते हैं उनको थैंक यू कहने के लिए? आज मैंने बच्चों को सिखाया ग्रैटिट्यूड, कि अगर हमारे लिए कोई इतना सभी कुछ करता है तो हमें उन्हें थैंक यू कहना चाहिए, उन्हें ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए। कभी हमें जीवन में ये, आज ये जो स्टूडेंट्स हैं ये टेकर्स हैं, मम्मी डैडी इन्हें कुछ देते हैं, हम स्कूल में टीचर्स इन्हें कुछ देते हैं, कल जब ये हमारी एज में आ जाएंगे तो ये गिवर्स होंगे, सबको कुछ देंगे, अपने बच्चों को, सोसाइटी को, काम करेंगे। आज जब ये टेकर्स है तो इन्हें ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, थैंक यू होना चाहिए कि आप लोग मेरे लिए दिल से इतना एफर्ट कर रहे हो। हर पेरेंट अपने बच्चों से जनरली रिवॉर्ड में कुछ नहीं चाहता, वो बस चाहते हैं कि बच्चों का फ्यूचर बन जाए। तो क्यों हम ये मौका ना लें अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहने का, कि पूरे साल आप हमारे लिए बिना किसी रिवॉर्ड के आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो। सेम एज टीचर्स ऑल्सो, जब हम बच्चों पे मेहनत करते हैं, उनके फर्स्ट क्लास मार्क्स लाते हैं, एक अच्छी पर्सनालिटी निकलती है उनमें से, अच्छे एटिकेट्स, अच्छे मैनर्स निकलते हैं, क्या हमें रिवॉर्ड में कुछ मिलता है? बच्चों के ए आए, सी आए, क्या मिलता है हमें? कुछ भी नहीं। पर हमारी जो रियल कमाई होती है वो ये होती है कि मैंने बच्चे को कुछ दिया, एक लाइफ स्किल दी, मैंने बच्चों में खुद एफर्ट लगाया। जब एक बच्चा पीछे रह गया सारा बोर्ड पे से काम लिखने के लिए, मैं उस बच्चे के लिए 2 मिनट रुकी, उसको मैंने अपनी डेस्क पे बुलाया और अपने हाथ से उसे काम लिखवाया, ये मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट करा उस बच्चे के लिए। ऐसे करके हम हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करते ही हैं, पर अगर बच्चा हमें ग्रैटिट्यूड करता है तो हमारा और मन करता है उसके लिए कुछ करने के लिए। बच्चों का समुचित विकास हो, देश के अच्छे नागरिक बने, देश का भविष्य है बच्चे, तो इस भविष्य को उज्ज्वल करने के लिए आपका स्कूल वनस्थली पब्लिक स्कूल क्या भूमिका निभा रहा है, किस तरह से आप पूरा क्या एक्टिविटीज कराते हैं और बच्चों के लिए? स्कूल 11 स्पोर्ट्स कवर करता है, टीटी है, हॉर्स राइडिंग है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, प्रोफेशनल स्केटिंग है, ऐसे करके 11 स्पोर्ट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल के बच्चों में बहुत ज़रूरी है, जैसे बच्चों का कंप्यूटर सैवी होना, ईमेल राइटिंग ज़रूर आना चाहिए, स्टेज पे बोलना थोड़ा बहुत ज़रूर आना चाहिए, एक आर्टिकल लिखना ज़रूर आना चाहिए, एक एप्लीकेशन लिखनी ज़रूर आनी चाहिए। ये हम कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चों की एकेडमिक्स और सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट पे। व्हेन इट कम्स टू द गुड सिटीजनशिप, कि बच्चे कल जाके एक अच्छे नागरिक बने, तब उन्हें हमें मेंटोरिंग करनी पड़ती है, मॉरल वैल्यू सिखानी पड़ती हैं, इंडिया का कल्चर सिखाना पड़ता है। आप अमेरिका का देखें, यूरोप का देखें, उन सबका कल्चर डिफरेंट होता है, इंडिया का कल्चर डिफरेंट होता है। हम अपने बड़ों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें एक पब्लिक स्कूल सिखाता है, कि आते हैं तो प्रणाम करना या गुड मॉर्निंग करना, ग्रीटिंग करना, एक जो व्यक्ति हमें कुछ देता है या ना भी दे उसको इज्जत करना, दिस इज द वैल्यूज अ पब्लिक स्कूल ट्राइज टू इनकल्केट इन इट्स चिल्ड्रन।